हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रभाव यानी अध्ययन का नियम डैश के द्वारा शुरू किया गया है, या किसके द्वारा दिया गया, या किसके द्वारा शुरू किया गया, यह आपको बताना है। पावलाव महोदय के द्वारा शुरू किया गया, थांडाइक महोदय के द्वारा, स्किनर महोदय, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया, थांडाइक महोदय के द्वारा शुरू किया गया। अब कौन कौन से वो नियम है वो आपको बताना है। मुख्य नियम 3 होंगे और गौण नियम कितने होंगे ये भी आप लोग बताइएगा, और कौन कौन से ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और राजस्थान पीटीआई में 5000 प्लस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा, तो प्रिपरेशन जितने भी स्टूडेंट सभी राजस्थान के वो भी तैयारी करें, और साथ में अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स भी तैयारी करें, क्योंकि अगर वहां पे आपको चांस मिलता तो बहुत ही अच्छा आपको चांस मिल रहा है, क्योंकि वहां पे जो अनुदेशक की पोस्ट आ रही है, पीटीआई की जो पोस्ट आ रही है, वो परमानेंट पोस्ट है, जिसके लिए आपको मेहनत अभी से करनी होगी अगर आपको शारीरिक शिक्षक राजस्थान में बनना है। और साथ में यूपी में टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए फिजिकल एजुकेशन तैयारी करते रहिएगा, वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है। बस 1 से 2 महीने आपका समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन वैकेंसी आएगी, और बस आप जब तैयारी किए होंगे तभी जाके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है। तैरने का नियम क्या अध्ययन के नियम से रिलेट करेगा, अभ्यास का नियम, नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, और डी दिया हुआ उक्त का नियम। तो डी क्वेश्चन ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। जल्दी से अपना राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे कि कौन सा उत्तर इसका राइट हो जाता है। यूपी टीजीटी के लिए आप लोग 700 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जबकि राजस्थान पीटीआई और एलटी ग्रेड के लिए आप लोग 1000 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, क्या होगा, कुछ ना सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना, गलत कौशल सीखना। 43 बताइएगा, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, कुछ ना सीखना कहलाता है क्या, सीखने में बाधा कहलाता, बाएं हाथ से सीखना, या फिर गलत कौशल सीखना। तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िएगा तभी आंसर अटेम्प्ट करिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके राजस्थान में बहुत पूछे जाते हैं, तो वहां पे माइनस मार्किंग है, आप सभी ने ऑलरेडी जानकारी प्राप्त की होगी, माइनस मार्किंग है। और जीएस जो है राजस्थान का करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर क्या होता है, सीखने में बाधा, बिल्कुल राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, बी उत्तर सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, टीजीटी एलटी ग्रेड राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड सभी वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्य आत्मक विधि किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, प्रयोगात्मक को माना जाता है, व्यक्ति अध्ययन अवलोकन, या फिर आत्मनिरीक्षण को। उत्तराखंड एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स भी तैयारी करते रहे, वहां भी वैकेंसीज का प्रोसेस चल रहा है, बस वहां भी टाइम लग रहा है, वैकेंसी वहां भी आनी है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं, झारखंड के हो, राजस्थान के हो, यूपी को हो, यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हैं, आप सभी लोग तैयारी करिएगा, कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी अवश्य मिलेगी। जब तैयारी आपकी होगी तब कोई भी वैकेंसी आपके सामने होगी तब उसको आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक।
ए ऑप्शन प्रैक्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? पावलाव महोदय ने इसकी खोज की, हल महोदय ने इसकी खोज की, थांडाइक या फिर कोहलर? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की, इसका आंसर आपको बताना है। तो 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये सी के साथ में रिलेट करेगा, थांडाइक महोदय हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 46 क्या दिया हुआ है? बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत, तीन कारक सिद्धांत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसकी एक ट्रिक भी है जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा क्या, थांडाइक होगा, स्पीयरमैन होंगे, जीन पियाजे होंगे या फिर कोहलर, बताइएगा। फिजिकल एजुकेशन में टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज अभी आपको प्रोवाइड की जा रही, मैराथन क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी जिसका वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन, बिल्कुल राइट आंसर, बी उत्तर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 47 सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो सीखने का अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया, कोहलर महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? डेली मॉक टेस्ट, जो भी चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पर 700 रुपीज का आप लोग पेमेंट टीजीटी के लिए कर सकते हैं। एलटी ग्रेट और राजस्थान पीटीआई के लिए 1000 का पेमेंट आपको करना होगा जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे। तो फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा आप पेमेंट कराकर भी स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, अगर नए स्टूडेंट्स होंगे तो आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ में जो बहुत ही जबरदस्त सीरीज ग्रुप में चलाई जाती है डेली मॉक टेस्ट, वह आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इससे आप अपनी तैयारी का डेली आकलन कर सकते हैं और बीच बीच में जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है उससे आप अपने जो साथ में स्टूडेंट्स आपके जुड़े हुए हैं उनसे अपना आकलन करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं कि किस रैंक पर, किस पोजीशन पर आप हैं, कि किस हिसाब से मेहनत की जाए कि आप उनसे आगे निकल सके, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन आपस में होगा तभी आपका सिलेक्शन के लिए आगे आप बढ़ पाएंगे। जब तक आपस में कॉम्पिटिशन नहीं होगा तब तक के आप पढ़ें चाहे जितना, वो पढ़ाई आपके किसी काम के नहीं आने वाली, क्योंकि आपका उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो कंपटीशन बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, आंसर क्या होगा? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, तुरंत कोहलर महोदय को टिक लगाइएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा शर्त सीखने की पठार की घटना का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है यह बताइएगा। शारीरिक सीमा नहीं है, नहीं की बात की गई है, एक रास्ता, व्याकुलता या फिर थकान नहीं है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट है, शारीरिक सीमा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DSSSB, MVS, KVR, राजस्थान PTI, उत्तराखंड LT ग्रेड, UP TGT और साथ में UP LT ग्रेड, यानी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49 नंबर। निश्चित द्रुतगामी एवं स्थिर व्यवहार प्रणालियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? निसर्ग कहलाती हैं, संवेग कहलाती हैं, सहज क्रिया कहलाती है या फिर इनमें से सभी? तो 49 तो ये निसर्ग कहलाती है, क्या होगा, क्या डी ऑप्शन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे? बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है?
ये तो किसी से गलत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत आसान है और कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। सी ऑप्शन के स्टूडेंट्स रॉन्ग हैं, ए ऑप्शन फ्रॉबल महोदय, जो भी स्टूडेंट्स ए ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही होगा। स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिए, कई बार आपको बताया गया कि डेली का डेली कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप अपना स्कोरिंग करिए, अपना आकलन स्वयं करिए, क्योंकि आपसे बढ़कर अपने आप को आकलित कोई अन्य नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको स्वयं पता होगा कि आप कितनी तैयारी करते हैं और किस लेवल की तैयारी करते हैं और किस तरह तैयारी करते हैं और कितनी तैयारी आपको सिलेक्शन के लिए करनी है, क्योंकि यूपी में आपको 60,000 प्लस आपको सैलरी चाहिए तो इसके लिए मेहनत करनी होगी। राजस्थान पीटीआई में भी आपको मैक्सिमम सैलरी मतलब भर की मिलेगी, तो सैलरी प्राप्त करने के लिए मेहनत भी आपको करनी होगी। जब आप सफल होंगे तब आपकी मेहनत वहाँ पे कोई नहीं देखेगा, आपकी सफलता को हर कोई देखेगा, तो इसलिए अभी से आप सभी स्टूडेंट्स मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्तल वक्र कहा जाता है, अवतल उत्तल वक्र कहा जाता है, अवतल वक्र कहा जाता है, या फिर उत्तल अवतल वक्र कहा जाता है। 51 में क्या दिया हुआ है? नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को क्या कहते हैं? तो ये उत्तल वक्र कहते हैं। क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन। किस ऑप्शन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे? बिल्कुल ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान डैश देखना होगा, क्या? सीखने की स्थिति, रिकॉर्डों का रखरखाव, कार्यकलाप कार्यक्रम, या फिर इनमें से सभी। थोड़ा सा आज के क्वेश्चन डिफर है जो क्वेश्चंस अभी तक प्रोवाइड किए गए थे, तो इन क्वेश्चंस को नजरअंदाज आपको नहीं करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है बीच बीच में, जो आपके 125 120 क्वेश्चन आते हैं एलटी ग्रेड में उसमें दिए होते हैं, तो इन क्वेश्चन से आपकी स्कोरिंग बननी है, विशेष ध्यान रखिएगा। 52 का क्या होगा? सीखने की स्थिति, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मनोविज्ञान अध्ययन है। अब मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन है? मानव मुद्रा का अध्ययन है, मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानव प्रदर्शन का अध्ययन है, मानव संबंधों का अध्ययन है। अब ये क्वेश्चन आपको तीसरी से चौथी बार कराया गया है और यहां पे आंसर चेंज होगा, क्योंकि इसके पहले मन का विज्ञान भी बताया गया है उत्तर में, तो ये हमने वहां पे भी आपको बताया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर अटेम्प्ट करना है। तो मनोविज्ञान अध्ययन किसका? मानव व्यवहार का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो कितने प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया यहां पर सीखने के? तो एक तो मुख्य नियम है और एक है गौण नियम। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तीन जो लोग लगा रहे हैं वो मुख्य नियम के अंतर्गत आएगा, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका, सॉरी बी ऑप्शन, यहां पे तीन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। सीखने के नियमों से रिलेट कर रहा है तो ये बी उत्तर राइट हो जाएगा। अब ये तीन नियम कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, और एक क्वेश्चन इसी में से एक पूछ लेते हैं आपसे। अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसने इस सिद्धांत को प्रोवाइड किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो इसमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, या फिर अभ्यास का नियम? तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जो अभी हमने आपसे ऊपर पूछा था वही क्वेश्चन नीचे मिल गया है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया का नियम, इससे रिलेट नहीं करता है, बाकी तीनों संबंधित है। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष का नियम संबंधित है, यह रूल किससे संबंधित है यह बताना है। ऑप्शन देखिएगा आप लोग क्या दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करिएगा। प्रभाव के नियम से, तत्परता के नियम से, अभ्यास के नियम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 9621 8192 09
आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, जिसका पेमेंट आपको 700 रुपीज का करना हो। जबकि राजस्थान और एलटी ग्रेड के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1000 का पेमेंट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर अटेम्प्ट किया है जिन भी स्टूडेंट्स ने ए उत्तर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? अब यहां पे क्वेश्चन को डिफाइन किया गया आधुनिक से, यानी वर्तमान समय में किसका अध्ययन करता है जो मनोविज्ञान है, तो ये बिहेवियर यानी व्यवहार से रिलेट करता है। डी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है, मानव वृद्धि कहा जाता है, वृद्धि एवं विकास कहा जाता है, एक डी ऑप्शन है केवल विकास कहा जाता है। बताइएगा व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है क्या? राइट आंसर बिल्कुल सीखना, राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, सी ऑप्शन नहीं ए ऑप्शन होगा, जो ए ऑप्शन अटेम्प्ट किए उन्हीं का उत्तर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श रचना है कौन सी? एकल रेखा, पंक्ति, अर्धवृत्ताकार या फिर वृत्ताकार? बताइए ऑप्शन इसका आप लोग देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड राजस्थान पीटीआई, जिसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 59 का आंसर होगा अर्धवृत्ताकार। डेली मॉक टेस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और साथ में उसका रिवीजन भी बीच बीच में करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे तो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे तो पेड ग्रुप से पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ते रहिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक के आपका सिलेक्शन और आपकी पढ़ाई थोड़ा सा पीछे रह जाती है। कि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं तो वही क्वेश्चंस आपके माइंड में फिट हो जाता है। अगर एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन सेम टू सेम तो आपका गलत नहीं होता। बस चारों ऑप्शन देख लीजिएगा कि किस ए में है, बी में, सी में या फिर डी में ऑप्शन है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस बार गलती ये किए थे कि उत्तर क्वेश्चन क्योंकि सेम टू सेम आए थे, ऑप्शन अगर आपने बी पढ़ रखा तो बी वहां भी आप लोग लगा दिए हैं। इतना कॉन्फिडेंस भी ना रखिएगा, ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, तभी आंसर अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? तो कौन से नियम को कहा जाता है? प्रभाव का नियम जो है ये रिलेट करेगा। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। बाकी यूट्यूब के साथ साथ में आप लोग पेड ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट करके इसी नंबर पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।